नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी यूट्यूब चैनल पर। सके दोस्तों आप सभी को बताएं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डी चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार के माध्यम से आदेश दिया गया कि आगामी समय के अंदर बची हुई सीटों पर थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिलेगी, मतलब वेटिंग वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो नियुक्ति पत्र है वो दिए जाएंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ मेरिट कैसे बनने वाली है, किस प्रकार आपका जो चयन है वो देखने के लिए मिलेगा, साथ ही किसके खाते में कितनी सीटें देखने के लिए मिलेंगी। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें फॉर्म को लेकर और भी तमाम सवालों को लेकर इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ देखने के लिए मिली थी कल बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से बयान दिया गया, जिसके अंदर जानकारी निकली कि 4,600 सीटों पर आप सभी की जो थर्ड काउंसलिंग है वो देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मंत्री जी के माध्यम से बताया गया कि लगभग 5,000 सीटों पर आपकी जो काउंसलिंग है वो होनी है। उसके बाद एक पत्रकार के माध्यम से पूछा गया कि यहाँ पे जो सीटों की संख्या है वो कितनी है, तो मंत्री जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसमें उनका कहना था कि जो सामान्य वर्ग की सीटें हैं उनके अंदर उन्होंने बताया कि लगभग 4,000 के समथिंग है, और साथ में जो 1,133 सीटें बची हुई हैं उनको जोड़ते हुए यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो करवाई जाएगी। इसको लेकर कुछ छात्र कंफ्यूज भी हो रहे थे कि सर क्या सामान्य वर्ग की सीटें हैं। उनके माध्यम से समझाया गया था, उनका कहना था कि एससी की जो सीटें हैं वो 1,133 हैं जो कि एससी के लिए हैं, लेकिन इसके अलावा जो सीटें बची हुई हैं उसमें अभी ये कन्फर्म नहीं है कि वो जनरल ओबीसी एससी में या फिर अलग अलग जब डिवाइड किया जाएगा। उनके माध्यम से सिर्फ उसको अनरिजर्व कह के समझाने का प्रयास किया गया। अनरिजर्व के माध्यम से हम समझें तो 4,600 सीटें यहाँ पर खाली रह गई हैं। अब सवाल देखने के लिए मिलता है किस प्रकार यहाँ पे जो आपकी मेरिट बनेगी, क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी और किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एससी वाले छात्रों को लगभग 1,133 सीटें कहीं ना कहीं मिल चुकी हैं, जिनको लेकर काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे। तो 5,000 सीटों में से हम देखें 5,700 में से 1,133 सीटें तो निकल कर ही चली जाती अलग से, जो कि एससी वाले छात्रों के लिए हैं। अब इसके अलावा जो बाकी सीटें बची हुई हैं उनके बारे में आप सभी को बताएं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं SC/RD पर अभ्यर्थी मौजूद है, अपनी मुलाकात को लेकर अधिकारियों के साथ वार्ता की जा रही है। उम्मीद है कि देर शाम तक यहाँ से कोई अपडेट निकलेगी। मैं आप सभी को बता दूंगा कि बची हुई सीटों पे क्या हुआ, क्या होने की संभावना है, इसके बारे में जानकारी आपको दे दी जाएगी, है ना। लेकिन बहुत सारे छात्र इस सवाल को पूछ रहे थे किस प्रकार आपकी जो मेरिट बनेगी, क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बताएं कि 1,46,000 अभ्यर्थी पास हुए थे, जिसमें से 1,37,000 के समथिंग छात्रों ने आवेदन किए थे, और कहीं ना कहीं 67,867 को यहाँ पे बुलाया गया था अंतिम चयन सूची के अनुसार, ठीक है, अनंतिम। उसके बाद में आप सभी को बताएं कि बहुत सारे छात्रों के मन में पहला सवाल ये है कि यहाँ पे क्या दोबारा से फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जो फॉर्म आप सभी ने पहले से भरे थे उसी के अनुसार आपको देखने के लिए मिलेगा। हालांकि जिलेवार जो सीटें जारी की गई हैं उसके अंदर कई त्रुटियाँ देखने के लिए मिली हैं, सही तरीके से डाटा जारी नहीं हुआ है। संभवतः आगामी समय के अंदर अगर छात्र यहाँ पर संघर्ष में सफल रहते हैं तो सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना भी है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि निकट भविष्य में आपको थर्ड काउंसलिंग में क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ भी रहे थे। तो पहले तो आप सभी के जो फॉर्म भरवाए गए थे उसी के अनुसार आप सभी के यहाँ से जो आगे की प्रक्रिया है वो देखने के लिए मिलेगी। फॉर्म होना नहीं चाहिए आप सभी के पास में, होना चाहिए, दोबारा फॉर्म आपके नहीं भरवाए जाएंगे। अब सवाल देखने के लिए मिलता है किस प्रकार आपका जो चयन है वो होगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल सीटों की संख्या तो कम है, लगभग 4,600 के समथिंग है, और इसी पे जो मेरिट है वो डाउन की जाएगी, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल देखने के लिए मिल सकता है किस प्रकार यहाँ पे आरक्षण को फॉलो किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि 67,000 के अंदर तो दो भागों में भर्ती करवा दी गई थी, और वहाँ पे मेरिट को कहीं ना कहीं गिराना आवश्यकता नहीं पड़ी थी, क्योंकि आप सभी को बताएं कि पहले से जो एक चयन सूची जारी हुई थी उसी में से उठा लिया था। लेकिन अब इसमें से किस प्रकार जो कट ऑफ है वो कम की जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अगर बात करें सामान्य वर्ग की कट ऑफ थी वो 67.1 के समथिंग रही थी, ओबीसी की 66.7 के समथिंग थी, साथ में जो एससी वाले छात्र उनकी 61 के समथिंग यहाँ पर जो कट ऑफ है वो देखने के लिए मिली थी। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि 4,600 में किस प्रकार आपको जो कहीं ना कहीं सीटों का आवंटन है वो देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सरकार के पास में डाटा पहुँचा है उसके अंदर ये तो नहीं बताया कि किस में कितनी सीटें खाली रह गई हैं, चाहे वो सामान्य वर्ग की हों, ओबीसी की हों या फिर एससी की हों, ठीक है। तो ऐसे में उस डाटा के अंदर इतनी जानकारी तो नहीं दी गई है। हो सकता है कि सरकार के माध्यम से निकट भविष्य में आगामी समय के अंदर इन तमाम सीटों पर कहीं ना कहीं आरक्षण के अनुसार आप सभी को जो नियुक्ति वो देखने के लिए मिले, क्योंकि कल एक पत्र जारी हुआ था विज्ञप्ति के अंदर, उसमें कहा गया था कि जो आप सभी की कहीं ना कहीं नियुक्ति करवाई जाएगी
वह 4000 सीटों पर आरक्षण का पालन करते हुए आपको देखने के लिए मिलेगी। मतलब यहाँ पे साफ हो जाता है कि आरक्षण नियमों का पालन करते हुए 4600 के समथिंग जो सीटें बची हुई हैं उस पर छात्रों को बुलाया जाए। बाकी जो छात्र कहीं ना कहीं कट ऑफ को लेकर परेशान होंगे उनको अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपका इंतजार समाप्त हो चुका है। जल्दी आप सभी के सामने जो चीज़ें वो रखने वाली हैं, बस आप सभी समझ गए कि चलिए कि बस आ ही चुकी हैं, तैयारी पूरी है। उसी क्रम में यहाँ पे अगर बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर उनका कहना था कि 4,000 सीटों पर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जो आपकी मेरिट लिस्ट है उसी से भरा जाएगा। मतलब कहने का इनका मतलब ये है कि 1,37,000 में मेरिट के अनुसार कहने की जो आप सभी को बनाया गया था कि भाई जो 67,867 अभ्यर्थी को आरक्षण नियमों का पालन करते हुए उठाया गया, सेम यहाँ पर उसी से नीचे छात्रों को उठाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि 67,868 वाला छात्र OBC का होगा, SC ST का होंगे, उसमें कहने की आरक्षण नियमों को पालन करते हुए आपकी जो मेरिट बनाई जाएगी, जो इसके अंदर लिखा हुआ है वही मैं आप सभी को बता रहा हूँ और ऐसा ही देखने के लिए अब तक मिला है। तो ऐसे में जो छात्र कहने की इस चीज़ को लेकर पाए कि 4000 सीटों के अंदर किसकी कितनी सीटें बचेंगी, जनरल की, OBC की, SC की, इसके बारे में विभाग के माध्यम से कोई भी ब्यौरा अभी तक जारी नहीं हुआ है, जो जारी हुआ था उसके अंदर जानकारी नहीं है। तो निकट भविष्य के अंदर हो सकता है कि इसमें आरक्षण को फॉलो करते हुए जो सीटों को डिवाइड करके आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। हालांकि निकट भविष्य में छात्रों के माध्यम से SC RD में मुलाकात की जाएगी जिसपे कहने की स्पष्टीकरण होगा कि मेरिट कैसे बनने वाली है। संभावना ऐसी है जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो मेरिट को लेकर आप सभी का कन्फर्मेशन हो जाता है कि 4000 सीटों में से सभी की सीटें आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगी। अभी जनपदवार सीटों के बारे में बताया नहीं गया है किस वर्ग के अंदर कितनी सीटें खाली रह गई थी। ठीक है, बाकी अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो आप सभी को बता दिया जाए। और ऐसे में जो 5,700 सीटें बची हुई हैं इसी में से SC की 1,133 को निकालकर सभी वर्गों के अनुसार आपको सीटें अभी जारी की जाएंगी। अभी चयन सूची जारी होने में कोई कन्फर्मेशन नहीं मिला है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे मंत्री जी के माध्यम से ही बताया गया था कि न्याय विभाग के साथ में जो कहने की मामला है वो भेजा गया है, वहाँ से अनुमति मिलने के बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर आप सभी का पुराने आधार भी चयन करवाया जाएगा, जो आपकी कहने की 1,37,000 छात्रों ने आवेदन किए थे उसी के अनुसार फॉर्म दोबारा नहीं भरवाए जाएंगे। अब जिस जिले में आपने प्रेफरेंस दी थी वहाँ पर सीटों की संख्या खाली होती है तो आप सभी को वहाँ लिया जाएगा, अदरवाइज दूसरे में आप सभी को भेज दिया जाएगा। तो ऐसे में इस प्रकार से आप सभी का जो कार्यक्रम वो देखने के लिए मिलेगा थर्ड चयन सूची को लेकर। बाकी आज छात्र कहने की SC RD पहुँचे, देर शाम तक वहाँ से पूरी अपडेट आप सभी को बताई जाएगी, क्योंकि सीटों की संख्या इसमें ज़्यादा होनी चाहिए थी, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि सिर्फ यहाँ पर अनुपस्थित अवशेष पदों पर जानकारी मिली है, इसके अलावा तमाम कहने के मामले थे जिनके बाद कहीं की सीटों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, सरकार ने उन सीटों की संख्या को इसमें नहीं जोड़ा, जो कि एक विवाद का विषय है। बाकी शाम तक जो भी अपडेट निकलेगी 9:30 बजे तक आप सभी को दे दी जाएगी, उससे पहले अगर मिलती है तो वो भी आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।